जह जीवन के संकट होई, रवितम समसो संकट खोई। बंदी परे सुमिरे हनुमाना, संकट कटे धरे जो ध्याना। जाको बांध बाम पद दीन्हा, मारुत सुत व्याकुल बहु कीन्हा। सौ भुज बल का कीन कृपाला, अच्छत तुम्हें मोर यह हाला। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त ने अपने एक नहीं बल्कि दो अनुभव शेयर किए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि सच्चे दिल से हनुमान जी की शरण में जाने के बाद असंभव कार्य कैसे संभव हो जाते हैं। ये अनुभव प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ा देगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रभु की महिमा को शेयर करें। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो बचपन से ही मेरे घर में पूजा पाठ का माहौल रहा है। बचपन में मेरी माँ ने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाया, जो मैं नियम से करता था। शुरुआत से ही मेरा बजरंगबली की तरफ अलग ही आकर्षण था और उनको बहुत मानता था। लेकिन बड़े होते होते और कॉलेज में आने के बाद मैं पूजा पाठ से दूर चला गया। वैसे तो मेरे परिवार पर कई बार हनुमान जी की कृपा हुई है, उनमें से दो अनुभव आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे प्रभु के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ गया। अप्रैल 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई, तो दिल्ली में हाहाकार मच गया था। मेरे घर में भी बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी थी। मेरे पापा, मेरी मम्मी और मैं, हम सब कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। मेरी मम्मी पर कोरोना का असर दिखने लगा था और मैं भी 3 से 4 दिनों तक बीमार था। लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा था और उन्होंने एकदम ही खाना छोड़ दिया था। ये देखकर हम घबराने लगे, लेकिन प्रभु की कृपा देखो कि जब कुछ नहीं था, तब मेरी कजन भाभी ने कहीं से एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अरेंज करवा दिया, जिससे हमें थोड़ी राहत मिली। लेकिन फिर पिताजी का ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी काम नहीं कर रहा था, और डॉक्टर ने फोन पे उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करने के लिए बोल दिया था। उस वक्त कहीं भी बेड नहीं मिल रहा था। मैंने हर जगह फोन करके देखा, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए थे। उस वक्त मेरे पिताजी की तबीयत को देख के मेरे मन में बुरे विचार आ रहे थे। मैं बस यही सोच रहा था कि कुछ अनर्थ ना हो जाए। फिर एकदम से मेरे मन में बजरंगबली का स्मरण आया और मैं मंदिर में जाके उनके सामने रोने लगा और उनसे कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सब आपके हाथों में है। मैंने प्रभु से माफी मांगी कि मैं उन्हें भूल गया था। मैंने उनके आगे अर्जी लगाई कि हे बजरंगबली, मेरे पिताजी को ठीक कर दो, और हर रोज 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। फिर उसी दिन अचानक सामने से हमारे एक दूर के रिश्तेदार, जो पहले पॉलिटिक्स में थे, उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि भाई साहब की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने एक हॉस्पिटल में बेड अरेंज करा दिया है, आप उन्हें जल्द से जल्द वहां ले जाए, क्योंकि मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए बेड को रोक सकता हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैंने बजरंगबली को धन्यवाद किया। लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत इतनी खराब थी कि बिना ऑक्सीजन के उन्हें हम कहीं नहीं ले जा सकते थे। फिर हर एम्बुलेंस वाले ने आने के लिए मना कर दिया। तभी मेरी भाभी ने अपनी ऑफिस में कॉल करके उनकी एक ऑफिस एम्बुलेंस को बुलाया। यहाँ फिर से मैं मेरे प्रभु की कृपा को देख नतमस्तक हो गया कि उस वक्त जब कहीं किसी के लिए कुछ नहीं था, तब उन्होंने हॉस्पिटल बेड और एम्बुलेंस दोनों अरेंज करवा दी। प्रभु का चमत्कार यहाँ खत्म नहीं होता। डॉक्टर ने बोला कि पिताजी के लिए 6 रेमडेसिविर इंजेक्शंस चाहिए होंगे, और तब ये इंजेक्शंस सिर्फ ब्लैक में मिल रहे थे, और वो भी सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल रहे थे। मैंने हर जगह फोन किया और कई केमिस्ट के पास गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हो गया था कि मैं अपने पिताजी के लिए दवाई भी नहीं ला पा रहा हूँ। मैंने बजरंगबली के आगे हाथ फैलाए और प्रभु से कहा कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मेरी मदद करो प्रभु। मेरे घर वाले भी हर जगह पूछ रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। फिर अचानक से मेरी भाभी ने मेरे पिताजी का आधार कार्ड मांगा कि कहीं से ब्लैक में वो इंजेक्शन मिल रही है। जो कहीं से अरेंज करवा पा रहे थे वो दिल्ली के काफी बड़े आदमी हैं। जब उन्होंने मेरे पापा का आधार कार्ड देखा, तो उन्होंने कहा कि अरे, इनको जरूरत है रेमडेसिविर की, इनको तो मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हर दिन आपके पास एक रेमडेसिविर पहुँच जाएगी। बजरंगबली की कृपा तो देखो कि इतने बड़े आदमी के पास जब पिताजी का आधार कार्ड पहुँचा, तो वो उन्हें जानते थे, और वहाँ से इलाज के लिए हमें दवाई मिल गई।
जयेश भाई, ये बजरंग बली का चमत्कार नहीं तो क्या है? प्रभु की कृपा से अब मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। उस दिन के बाद अब मैं हर रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं और हर मंगलवार और शनिवार को अपने बजरंग बली के दर्शन करने मंदिर जाता हूं। अब बात करता हूं दूसरे अनुभव की। मैं एक बैंक में जॉब करता हूं, जहां मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है। मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल गए थे। मेरा बड़ा मन था कि मैं किसी कंसल्टेंसी फर्म में जॉब करूँ। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त से बात करते करते मुझे पता चला कि एक बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी में एक ओपनिंग है। मेरे दोस्त ने कहा कि अप्लाई कर दे। मुझे पता था कि ये इतनी बड़ी कंपनी है और इस कंपनी में इंटरव्यूज के इतने सारे मुश्किल राउंड्स होते हैं कि मेरा तो सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अप्लाई कर ही देता हूँ। प्रभु की कृपा तो देखिए कि मुझे पहले राउंड के लिए कॉल आ गया। मैंने ऑफिस से छुट्टी लेकर वो इंटरव्यू का राउंड दिया। मैंने बजरंग बली के आगे माथा टेका और बस ये बोला कि हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सिलेक्शन इस कंपनी में हो जाए। इंटरव्यू का पहला राउंड कुछ खास नहीं गया था और मुझे लगा यहीं पे मुझे बाहर कर देंगे। फिर एक हफ्ता बीत गया और मुझे वहां से एचआर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू के सेकंड राउंड में जा रहे हो, और मैंने सेकंड राउंड भी क्लियर कर दिया। इंटरव्यू का थर्ड राउंड जब मैंने दिया तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। उस कंपनी ने मुझे 10 दिन तक कॉन्टैक्ट नहीं किया। मैं पूरी तरह से श्योर था कि अब मैं बाहर हो जाऊंगा। मैंने बस शनिवार के दिन सच्चे मन से 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और बजरंग बली के आगे अर्जी लगाई कि मुझे पता है कि मैं बाहर हूं, लेकिन मैं दिल से इस कंपनी में जाना चाहता हूं। और अगर मेरा सिलेक्शन इस कंपनी में होता है तो मैं हर महीने आपके दर्शन करने मेहंदीपुर बालाजी आऊंगा। और फिर जो हुआ उस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। शनिवार को मैंने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और सोमवार को ही मुझे कॉल आ गया कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। मैंने मेरे बजरंग बली की ताकत को महसूस किया कि जो चीज हो ही नहीं सकती थी वो उन्होंने मुमकिन कर दिया। मेरा फोर्थ राउंड बेहद अच्छा था, लेकिन कंपनी ने इस राउंड के बाद 1 महीने तक मुझे कॉल नहीं किया। मैंने उनको बीच में मेल और कॉल किया था, पर उनकी तरफ से कोई सही रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा कि उनको अचानक क्या हो गया। मुझे पता है कि बजरंग बाण को ऐसे कभी नहीं पढ़ सकते, लेकिन उस दिन मैंने सच्चे दिल से बजरंग बाण का पाठ किया और बजरंग बली से नौकरी के लिए प्रार्थना की। आप मानोगे नहीं, जब मैंने बजरंग बाण पढ़ा उसी दिन मुझे कंपनी का सामने से कॉल आया कि आप 5th राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हो। ये राउंड और इसके बाद एक और राउंड देने के बाद मुझे ये जॉब मिल गई। और प्रभु की कृपा तो देखो, मैंने जितनी सैलरी की मांग की थी कंपनी ने मुझे उससे भी ज्यादा सैलरी का पैकेज दिया। मैं अब पूरी तरह से अपने बजरंग बली की भक्ति में लीन हो चुका हूँ और मुझे पता है कि वही मेरे सब कुछ हैं। और जब कोई मेरे साथ नहीं था तब मेरे बड़े भैया मेरे बजरंग बली ही मेरे साथ थे। और एक बात जयेश भाई, पहले मुझे कभी कभी शराब पीने की भी आदत थी, पर बजरंग बली की शरण में जाने के बाद मैंने सब छोड़ दिया और सिर्फ उनकी भक्ति करता हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जयेश भाई, बस ऐसे ही प्रभु की भक्ति का प्रचार करते रहें। प्रभु की कृपा अपने सभी भक्तों पर बनी रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, बजरंग बली के शरण में जाने के बाद बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। बस जरूरत है तो अटूट विश्वास की। तो दिल से राम नाम का स्मरण करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें, देखना वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।